नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो समंदर में भारत की नई किलर शार्क, जी हां, समुंदर के भीतर भारत के इस किलर टाइगर शार्क को देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। नौसेना को मजबूत बनाने की दिशा में भारत ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। मुंबई के मझगांव डॉक पर तैयार की गई स्कॉर्पियन सबमरीन कलावरी को उसके पहले सी ट्रायल के लिए समुद्र में उतार दिया गया। भारत की ये किलर शार्क दुश्मनों को कच्चा चबाने में सक्षम है। भारत की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत से दागी गई K4 मिसाइल के झटकों से दुश्मन अभी उबर भी नहीं पाया था कि भारत के दुश्मनों के लिए समुद्र में दूसरी मौत लॉन्च हो चुकी है। यह है समुद्र में भारत का टाइगर बनकर दुश्मनों का शिकार करने वाली कलवरी क्लास पनडुब्बी आईएनएस कलवरी। आप इसे भारत की वो किलर शार्क भी कह सकते हैं जिसकी समुद्र में मौजूदगी दुश्मन को जल बिन मछली की तरह तड़पने पर मजबूर कर देगी। भारतीय नौसेना तेजी से गहरे पानी की ताकत यानी ब्लू वाटर नेवी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। क्योंकि चारों तरफ खतरा भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए जरूरत है चौकन न रहने की। खुशी की बात यह है कि समुद्र की सतह से लेकर समुद्र की गहराई तक भारतीय नौसेना ने एक ऐसा समुद्र मंथन कर लिया है कि अब बुरी नजर रखने वालों को छठी का दूध याद आना तय है। दुश्मनों को चीरने और फाड़ने वाला भारतीय नौसेना का नया हथियार है कलवरी क्लास सबमरीन आईएनएस कलवरी, यानी वो समुद्री शार्क जो पल भर में अपने शिकार का खात्मा कर दे। मुंबई के तट से पहले समुद्री ट्रायल के लिए उतारी गई आईएनएस कलवरी भारत में बनाई गई पहली कलवरी क्लास सबमरीन है। भारत ऐसी 6 सबमरीन का निर्माण कर रहा है। जेक 75 नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसमें भारतीय नौसेना ने 6 पनडुब्बियों का निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये प्रोजेक्ट को एक अंजाम दे रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है और उसमें से सबसे पहली पनडुब्बी है वो है कलवरी, उसका नामकरण कलवरी किया गया है। ये सबमरीन एक बार में 6,500 नॉटिकल माइल यानी 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। आईएनएस कलवरी का निर्माण खास तरह के स्टील से किया गया है। यह स्टील समुद्र की गहराई में भारी से भारी दबाव को झेल सकता है। आधुनिक संचार उपकरणों से लैस कलवरी अपने स्टेल्थ फीचर की दम पर दुश्मन को अपनी आहट नहीं लगने देती। आईएनएस कलवरी में 6 533 mm के टॉरपीडो ट्यूब्स हैं, जिनमें कुल 18 टॉरपीडोज को एक बार में फिट किया जा सकता है। यानी आम भाषा में कहें तो टॉरपीडो की मारक क्षमता ज्यादा है। जहाज होता है नेवी की शक्ति के लिए, अंडर वाटर अटैक करने के लिए। तो हम बड़ी खुशी से देख सकते हैं कलवरी जो पहली स्कॉर्पियन सबमरीन है 2,500 टन की, उसमें 100 मिसाइल फिट होंगे, वो ट्रायल्स पे गई है। 100 मिसाइल है वो बहुत ज़बरदस्त, 90-100 किलोमीटर तक वो कोई भी जहाज को नष्ट कर सकते हैं। पानी के नीचे 100 निकलता है, उनको पता ही नहीं चला गया ये कहाँ से आया, कब आया। और वो होमिंग सिस्टम उसका रेडार का ऐसा है वो जहाज को बिल्कुल एक ही वन शॉट मिसाइल 100। भारत को इस समय सबमरीन की सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत के सबमरीन बेड़े में फिलहाल 9 किलो क्लास सबमरीन है जिन्हें सिंधु क्लास कहते हैं। इसके अलावा 4 शिशुमार क्लास सबमरीन और एक न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस चक्र है जो रूस से लीज पर ली गई है। स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत के इसी साल नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है।
यानी अगर भारतीय नौसेना को अपना दबदबा बनाए रखना है तो उसे सबमरीन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। भारत के जो सबमरीन हैं वो थोड़ी पुरानी हैं लेकिन शक्तिशाली है, और हमारे पास INS चक्र है, वो लीज पे न्यूक्लियर सबमरीन है, उसमें मिसाइल्स भी है, और हमने अपनी सबमरीन बनाई है अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन, उसके भी ट्रायल्स खत्म होने वाले हैं, वो कमीशन होने वाली है, लेकिन उसमें जो मिसाइल्स हैं वो न्यूक्लियर सब मिसाइल्स हैं 750 किलोमीटर तक। उसके बाद अरिदमन जो दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है, तीन बनने वाली हैं और कहती है चौथा भी बनेगी, वो लंबे K4 कलाम 4 मिसाइल्स के साथ 3000 किलोमीटर तक चलेगी। तो हम शक्तिशाली हैं। पाकिस्तान के पास अगुस्ता सबमरीन्स हैं, उन्होंने दो बनाई हैं पाकिस्तान में, और उनके पास ऑपरेशनल सबमरीन 4 या 5 एक समय पे। हमारे पास 13 सबमरीन हैं, एक न्यूक्लियर सबमरीन है और अरिहंत तैयार हो रही है। भारतीय नौसेना की योजनाओं में फिलहाल 6 स्कॉर्पियन क्लास यानी कलवरी क्लास सबमरीन का निर्माण पहली प्राथमिकता है। INS कलवरी के आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल होने के बाद आने वाले 4 वर्षों में सारी कलवरी क्लास सबमरीन यानी भारत की टाइगर शार्क्स दुश्मनों को चीरने के लिए तैयार हो जाएंगी। भारत इसके बाद 6 फॉलो ऑन कलवरी क्लास और 6 एडवांस सबमरीन तैयार करने की योजना पर भी काम कर रहा है। भारत की समुद्री योजना के तहत अरिहंत सहित 3 न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की भी तैयारी चल रही है। हालांकि फिलहाल ये प्रोजेक्ट पूरी तौर पर पर्दे में है। कहा जाता है कि समुद्र बेरहम होता है और समुद्र में दुश्मन का वार उससे भी ज्यादा बेरहम, लेकिन भारत समुद्र में दुश्मन की किसी भी नापाक चाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि भारत के पास जो सबमरीन है वो दुश्मन के लिए साक्षात यमराज की भूमिका निभाती है। समंदर में अपने जहाजों के दिलों में भरोसा और दुश्मन के जहाजों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए मजबूत सबमरीन बेड़े का होना बहुत जरूरी है, और यही भारतीय नौसेना की सबसे कमजोर नस है। उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक कलवरी क्लास की सबमरीन्स का भारतीय नौसेना में शामिल होना शुरू हो जाएगा। इससे भारतीय नौसेना को कम सबमरीन होने के दबाव से कम कुछ राहत जरूर मिलेगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।